हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सरल उपाय इजी टिप्स चैनल में। लोकसभा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रश्न उत्तर। भारतीय लोकसभा के तहत चुनाव लोगों के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इस समुदाय के अधिकतम दो लोगों को सदस्य के रूप में माना जाता है। भारतीय लोकसभा भारत के संसद का एक सदन है, जो कि अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्य करते हैं। यहाँ पर आपको भारतीय लोकसभा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रश्नों की तैयारी के लिए कुछ टॉप 20 प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सकेगी। प्रश्न एक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ए 61, बी 74, सी 52, डी 65। इसका सही आंसर है सी 52। प्रश्न 2, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, राज्य विधान सभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 3, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? ए कार्यकाल समाप्त होने पर, बी त्याग पत्र देने पर, सी सिर्फ महायोग के शुरू होने पर, डी केवल ए और बी। इसका सही आंसर है डी केवल ए और बी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 5, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? ए 245, बी 238, सी 250, डी 252। इसका सही आंसर है बी 238। प्रश्न 6, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रश्न 7, निम्न में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का दोष कौन सा है? ए यह खर्चीली है, बी यह उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती है, सी यह पार्टी अवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 8, लोकसभा में चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? ए राज्य एवं राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं, बी उम्मीदवार को अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है, सी उम्मीदवार जिस निर्वाचित क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां के निवासी होने चाहिए, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए राज्य एवं राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रश्न 9, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि ए चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, बी दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, सी चुनाव खर्च का ब्यौरा स्वयं पर देने में विफल रहा हो, डी निम्न में से सभी। इसका सही आंसर है निम्न में से सभी। प्रश्न 10, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, बी कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जाता है, सी कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, डी यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा न होने पर भी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सी कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। प्रश्न 11, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा लोकसभा में सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा भेजता है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। प्रश्न 12, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 10, बी 12, सी 17, डी 15।
इसका सही आंसर है बी 12। प्रश्न 13। मंगला तेल अच्छी तरह से कहाँ स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गोवा, डी असम। इसका सही आंसर है बी राजस्थान। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा सदस्य नहीं था? ए जी दुर्गाबाई देशमुख, बी श्रीमती हंसा मेहता, सी श्रीमती रेणुका राय, डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है डी विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न 15। जिस सिद्धांत ने फ्रांस क्रांति और अमेरिका क्रांति को जन्म दिया क्या है? ए अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, बी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, सी सामाजिक कल्याण सिद्धांत, डी अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्रश्न 16। हरियाणा के ग्राम सभा में शामिल हैं ए गांव पंचायत के निर्वाचित सदस्य, बी पंचायत समिति के सदस्य, सी गांव के पंजीकृत मतदाता, डी पंचायत में गांव के सभी निवासी। इसका सही आंसर है सी गांव के पंजीकृत मतदाता। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति दल है? ए बहुजन समाज पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 18। समाचार पत्र जिसने स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी कारण को बरकरार रखा था? ए नेता, बी नागरिक, सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डी स्टेटमैन। इसका सही आंसर है ए नेता। प्रश्न 19। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 35 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 45 वर्ष। इसका सही आंसर है सी 25 वर्ष। प्रश्न 20। लोकसभा का नेता कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष, सी महासचिव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सरल उपाय इजी टिप्स को आज ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी।